नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों से बदहाली की खबर और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और बीच बीच में ये खबरें भी आती रही हैं कि मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुए हैं। हालांकि फरार होने क्वारंटाइन सेंटर से भाग जाना सही नहीं है। हम अब भी यही कह रहे हैं कि सरकार का जो निर्देश है उसका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन बदहाली की जो खबरें सामने आती हैं वो इस तरह से होती है, वो दूसरी तस्वीर पेश करती है, वो सिक्के का दूसरा पहलू प्रस्तुत करती हैं। और ऐसी ही बदहाली की खबर एक बार फिर सामने आई है। बेतिया का मामला है। बेतिया में हर ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और यहाँ एक क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैनाटाड़ के लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में एक क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जिसमें 200 मजदूर बाहर से आए हुए हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग जगहों से, और कुव्यवस्था का जो आलम है उसको लेकर मजदूर ये कह रहे हैं कि अगर यही व्यवस्था रही तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। भागना सही नहीं है, लेकिन किस तरीके से मजदूर परेशान हैं और भाग जाने की बात कर रहे हैं, आप सुनिए। हो गया बेतल लिए हुए। हड़ताल टूटने के बाद हम लोग सीधे अपने कार्य पर चले आए। चिट्ठी निकला जिस दिन से उसी दिन से हम लोग अपने कार्य पर है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। हम लोग सुबह आते हैं 6 बजे, 10 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर 200 लगभग आगंतुक आ चुके हैं। 200 आगंतुक आने के बाद भी 1 रुपया यहाँ खर्च नहीं किया गया अभी तक सीओ साहब के द्वारा। यहाँ पर न यहाँ पर सफाई का उन लोगों का ध्यान है, न यहाँ पर सैनिटाइजर का कोई व्यवस्था है, न कोई किट दिया गया और बाहर अभी तक नहीं दिया गया किसी भी हमारे कर्मचारी लोगों का। जबकि वहाँ से चिट्ठी है कि 250 और 100 रुपया अल्पाहार और भोजन कर लोगों को दिया जाएगा। हमारे कर्मी लोग सुबह 6 बजे से 10 बजे रात तक काम कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हाँ जाके हेडमास्टर से पूछिए। अभी हमारे मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया कि हाँ आप कहाँ हैं, तो कह रहे हैं कि हम विद्यालय में हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ सारा व्यवस्था सीओ साहब अपने हाथों में रखे हुए हैं और सीओ साहब कह रहे हैं कि हेडमास्टर के पास जाइए, उनके पास सब कुछ है। तो हम क्या करें? अभी तक इनको कहा गया कि हाँ ठीक है, नौकरी छोड़ कर हम भाग जाइए। इस स्थिति में हम लोग क्या करें? लक्ष्मीपुर मरजदवा क्वारंटाइन सेंटर से बोल रहे हैं। यहाँ पर सेंटर पर अभी तक पागल हो गया, 1 रुपया भी नहीं भेजा गया। यहाँ पर बहुत सब खर्च है, एसेसरीज खर्च है, जरूरत पड़ता है 1-2 लेबर रखने के लिए, उसका भी पैसा नहीं मिला अभी तक। मेरे पास से 3000 रुपया लगभग खर्च हो गया। सीओ साहब अपना मोबाइल ऑफ किए हुए हैं, कोई भी फोन करने के बाद भी कोई नहीं उठाता है, और कोई उठा लिया तो हम क्या करें? सीओ साहब सब काम अपने हाथ से, पैसे के मामले में अपने हाथ बांधे हुए हैं, न देते हैं न लेते हैं। तो हम क्या करें? 3 दिन हो गए आज खर्च करते हुए। यहाँ पर सिर्फ 2 बोरी चावल, 1 बोरा दाल, 1 बोरा सोयाबीन और 1 बोरिया आलू, 1 बोरा प्याज बस, और उसके साथ मसाला और 1 टीना तेल। उसके अलावा कुछ अभी तक इस सेंटर पर नहीं आया। अभी तक लगभग 125 यहाँ पर अतिथिगण पहुँच चुके हैं। हम इस परिस्थिति में हम लोग क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता है। इन लोगों का बात हम लोगों को झेलना पड़ता है, गाली गलौज। इन लोग लगता है कि अब हम यहाँ तक कि स्कूल से बाहर ये लोग घूम रहे हैं, उन लोग क्या करें? यहाँ पर क्षमता उतना नहीं है रखने का, फिर भी हम लोग इन लोगों को इधर उधर रख रहे हैं। वायरलेस बाबू ना है का? अब इससे अधिक हम क्या बताएं? चलिए एक आदमी खड़ा हो जाए, आइए इधर, आइए इधर, बोलिए। सर हम लोग अपने पंचायत में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। कल रात में हम लोग जब बेतिया से निकले तो वहाँ से बेतिया से हम लोग ब्लॉक में आए। ब्लॉक से जब हम लोग को रेफर हुआ रामपुर हम लोग जब गए तो वहाँ से रामपुर गांव में जब हम लोग पहुँचे तो भंगा थाना का प्रशासन हम लोग को गाली दिया, लाठी चार्ज करने के लिए बोला। उसके बाद में उधर से रिटर्न कर दिया, डीएम को भी गाली दिया। रिटर्न करने के बाद में हम लोग को इधर लक्ष्मीपुर ला करके छोड़ा, जबकि हमारे रामपुर स्टेट में रामपुर हाई स्कूल में खाली था, वहाँ पे नहीं रख के हम लोग को इतना दूर भेजा, क्योंकि हम लोग का जो जगह है वहाँ नज़दीक थोड़ा पड़ रहा है और ये हम लोग का बहुत दूर है, परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ पे हम लोग को। आगे क्या बोलूँ सर, इतना ही हम लोग का बहुत काफ़ी, आप लोग समझ जाएंगे इतना ही बात से। थैंक्स सर। राज में पंचायत में जाने के चाह रहे हैं, ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ तक कोई व्यवस्था है खाने पीने की? खाने पीने वाला बोल रहे लोग यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, भाग जाओ यहाँ से।
हम मैटर के बस्टा के निवासी है, पंचायत हमारा बस्टा पड़ता है, हम लोग बस्टा जाने के चाहते हैं। कहाँ भाग जाए बोल रहा है? झामरी जहाँ चले जाओ, भागो यहाँ से, झामरी जहाँ जाओ, कहाँ जाए हम? वो जो देखिए वो सफेद शॉर्ट वाला है। हम लोग माटा जाते तो माटा का पुलिस यहाँ भेज देते हैं, लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो हम लोग का बात यहाँ पर आने से हम लोग का कोई अतराज नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग का कोई साधन नहीं है खाने पीने का, और उल्टा में देखिए बार बार जो वो आदमी है आकर हम लोग को धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है कि खाना नहीं देंगे या करेंगे, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। सफर के भी सब यहाँ पर जब बोले थे कि हमारे सोने के कोई व्यवस्था कीजिए, रहने के व्यवस्था कीजिए, वो बार बार आकर हम लोग से झगड़ा कर रहा है, गाली भी दे रहा है, आपके भी सामने गाली दिया है, झगड़ा भी कर रहा है। देखिए नाम है उनका, उनका नाम क्या है? लेकिन देखिए वो शॉर्ट जो सफेद शॉर्ट वाला है ना, वही है, उनको बुलाइए, उनसे पूछे क्यों इन लोग का गाली दिया, क्यों इन लोग का खाना देने के बंद कर रहे थे और भगाने के लिए क्यों बोल रहा है? बोला है कि हम मैं अपने घर से खिला रहा हूँ, उसका घर से हम लोग खाना खा रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसीलिए हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, उनका बात पे नहीं खाना खा रहे हैं। हम लोग पंचायत में जाना है, अपने पंचायत में जाने के लिए, ठीक है, इतना ही हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को अपना पंचायत में जाने के लिए बोलिए, कोई भी लेकर। हमने ये तस्वीर आपको दिखाई है और क्या स्थिति है इस क्वारंटाइन सेंटर की वो आपने देखी होगी, मजदूरों की बात भी सुनी होगी, यहाँ जो लोग तैनात हैं उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया है, वो क्या कह रहे हैं। तो स्थिति ठीक नहीं है, बिहार और देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ऐसी बद इंतजामी इस लड़ाई को मुश्किल बना रही है। इस खबर में इतना ही, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।